ढोलकपुर संगति दे रहे बड़े भाई गौरव फौजदार जी मोरोली से आपके समक्ष में पैर पर झरका लगा रहे बड़े भाई लुड़कन सिंह जी फौजदार नगला सीखम से आपके बीच में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है पंडित रोहितास डीजे साउंड सर्विस जनुथर से लीजिए तिकड़ी भजनों का एक और धमाका मेरे बुजुर्गण जिकड़ी प्रेमी जनता जनार्दन नौजवान भाई मेरी माता बहनाएं जो भी यहाँ पर आसीन है सभी के श्री चरणों में कुमारी लक्ष्मी सिंसनवार की तरफ से एक बार फिर से हाथ जोड़ करके सत्सत कोट नमामी नमस्कार राम राम साहब। सजना बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आपके सामने चल रहा है और बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुति प्रत्येक कलाकार आपके सामने दे भी रहा है, लेकिन भैया जी वो किसी ने कह दिया कि ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते ना हत्यारे राम, अरे अपने आप मर जाते हैं ये कर कर खोटे काम। ये सारी बातें इंसान के कर्म पर निर्भर हुआ करती है। इंसान इस संसार में आता है, माँ के गर्भ में आता है और बाबा साहब गर्भ में आने के बाद में उस परमपिता परमात्मा से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, गुजारिश करता है, विनती करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर के तेरी भक्ति करूंगा, तेरा गुणनवाद करूंगा। लेकिन बाबा साहब उस गर्भ से बाहर आकर के इस सांसारिक माया मोह में फंस जाता है। लेकिन सुनिएगा, कभी कह रहा है हे मूर्ख इंसान ना जाने क्या क्या कर्म कर रहा है। और सबसे बड़ी बात भैया जी, आज का जमाना है ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। लेकिन बात सुनिएगा, कभी कह रहा है कि हे इंसान सुन, चेतावनी दे रहा है इंसान को और भैया गौरव कैसे ओ तेरे सर पे कर जे काल मान जा तू क्या क्या रहा है। और देखो साहब ऐसे मत बैठो, कोई तो माथे ते हाथ लगा के बैठो है, कोई दोनों घोटू ने पकड़ के बैठो है, हैं कोई थोड़ी ते ही हाथ लगा के बैठे। और देखो हमारी माता बहन तो घूंघट कर 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 जब वो हाथ नहीं यूं लगा लगा के बैठे। ऐसे मत बैठो साहब, एक बार निवेदन करूंगी सबसे, सुस्तियां खोल लो और अपनी जिब्बा को पवित्र कीजिए और दोनों हाथ ने खोल के एक बार जोरदार जयकारो लगा दो, बोले गिरिराज महाराज की। और अब कह क्या रहा कभी सुनिएगा भैया कैसे हो तेरे सर पे कर जे काल मान जा तू, वो मत चले वो मत चले मरोड़ा चाल मान जा तू, मत चले अराकी चाल मान जा तू।
बोल बड़ा तेरी बहुत बड़ी सरदारी चाहिए ए, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरी बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। लंबी गर्दन ओ लंबी गर्दन चौड़ी रे छाती संग में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए। देखो ये हमारे स्टाफ को मैटर है साहब, पहले लिया दो फिर तुम पे तो ले जाऊंगी एक एक पैसे और तुम पे तो ले लो ले। और भैया कह क्या रहा है ये? अरे नारायणी सौ साल मान जा तू ये, हो नारायणी सौ साल मान जा तू, और वो मत चले ये मत चले अदा की चाल मान जा तू, मत चले अदा की चाल मान जा तू। और देखो सा इस जमानो केवल पैसा के पीछे भाग रहे हैं, और बाबा साहब पैसा बहुत बुरी बीमारी। क्यों? जीवन भर कमाएंगे और अंत में जब वो खाली हाथ जावे, पर कह क्या रहा कभी ए, अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी क्या कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी होवे डोले यम के दूत पकड़ ले जामे ना डरेगी तेरी दाल। यम के दूत पकड़ ले जामे ना डरेगी तेरी दाल। और अरे धर कांटे पे तुझको तोले सीधी कर दे तेरी खाट। धर कांटे पे तुझको तोले सीधी कर दे तेरी खाट। और अरे नारायणी सौ साल मान जा तू। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय प्रोफेसर साहब जग्गो सिंह जी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और भैया हिम्मत चले मरोड़ अचाल मान जा तू। और देखो साहब इन्हें खुलिया कर लियो, ज्यादा हो तो मेरे ना मंच पर पहुंचा दी हूं भैया जी। और कभी क्या कह रहा है ए? वो तेरे सर पे कर जाए काल मार जा तू। क्यों? वो मत चले हे मत चले मरोड़ा चाल मार जा तू, मत चले अदा की चाल मार जा तू, वो मत चले अदा की चाल मार जा तू। आहा सजनों, बाबा साहब अपने ध्यान को उसी जगह केंद्रित करें जहां पर कि मैं अपना प्रसंग अपना जिक्र अपनी कहानी अपनी कथा को छोड़ कर गई थी। रानी द्रौपदी को पांचों पांडव दांव पर लगाकर हार गए। प्राति सेवक ने जाकर के सुना दिया और कह दिया रानी द्रौपदी से, हे रानी पांचों पांडव आपको हार गए, मैं आपको इस राज महल से उस राज दरबार में लेने के लिए आया हूँ, मुझे यह आदेश मिला है। जब इतनी बातों को रानी द्रौपदी ने सुना, बड़े विनम्र शब्दों में रानी द्रौपदी ने एक बात कह दी, हे शेबा मैं तुमसे एक संदेशा लेने के लिए मैं भी बोलूंगी, मेरा भी एक संदेशा लेकर के तुम उस राज दरबार में जाना, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। और बात क्या?
पांचों पांडव पहले अपने आप को जुआ में हारे थे या मुझे जुआ में हारे थे? सजनों, जब इतनी बातें सुनी प्राति सेवक ने जवाब दे दिया, हे रानी, पहले पांचों पांडव अपने आप को उस जुआ में हार गए। जब इतनी बातें सुनी बाबा साहब, रानी द्रौपदी जवाब दे रही है, एक संदेशा भेज रही है, और संदेशा क्या भेजा? हारे हुए पति ने मुझको, हारे हुए पति ने मुझको लगा दिया क्यों बाजी में, अरे मेरे प्राण नाथ से कह देना जाहिर करती नाराजी में, क्योंकि जुआ शराब शिकार आसक्ति, जुआ शराब शिकार आसक्ति, अरे ये दुर्व्यसन बतलाए हैं और वा मामा ने खेल खिलाए हैं। रानी द्रौपदी का संदेशा लेकर के वो प्राति सेवक राज दरबार में आ गया, दुर्योधन के लिए वो संदेशा सुना दिया। आज दुर्योधन उस संदेश को सुनकर के क्रोधित होकर के, और भैया जी जवाब दे रहा है और दुशासन के लिए आदेश दे रहा है, भैया सुनिए कैसे। कहा और ले दुर्योधन ने दुशासन को, क्या कह रहा है भैया? और ले दुर्योधन ने दुशासन को, और ये जिद्दियो सख्त आदे, और ले राजी से नहीं, और ले राजी से नहीं, आप द्रौपदी कुलाओ पकड़ के के अंदर जाओ।
और रानी द्रौपदी को केसों सहित पकड़ करके इस राज दरबार में लेकर के आओ। सजनों सारी बातें सुन ली। पांचों पांडव उसी जगह पर बैठे हुए थे, उसी दरबार के अंदर पांचों पांडवों ने रानी द्रौपदी को दासियों की भी दासी कहते हुए सुनाए। आज उन पांचों पांडवों की हालत सुनिएगा। भैया जी जिकड़ी का रहा लंगड़ा ढोला, और देखो साहब अब लंगड़ा ढोला में जवाब दे रही है, और पांचों पांडवों की हालत सुनिएगा भैया कैसे। और होएगा वा ईश्वर की
तब देखो साहब समय का अभाव, सुनेंगे एक छोटा सा गीत। और बाबा साहब कुछ बुजुर्गों की फरमाइश आई है, गीत को पेश कर रही हूँ। और सुनो गीत भी क्या, रावण आज रामा दल के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें गिनते गिनते अपने सामने चार व्यक्तियों को देखा। सबसे पहले भगवान राम को देखा, भगवान राम से एक सवाल कर लिया, उसके बाद लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी से भी एक सवाल कर लिया, उसके बाद में बाबा साहब हनुमान जी को देखा, हनुमान जी से भी एक सवाल कर लिया, और सबसे अंत में विभीषण को देखा और विभीषण से भी एक सवाल कर लिया। अब जवाब ये है बाबा साहब, रावण ने कौन कौन से सवाल किए और इन चारों ने कौन कौन से जवाब दिए, इसको सुनिएगा गीत में। लेकिन उससे पहले बाबा साहब धुन बज रही है, और भैया जी फिल्मी दुनिया वाले बड़ी सुंदर सी एक बात कह रहे हैं, और भैया गौरव कैसे कह रहे हैं, और एक दूजे के कहा, मैं भगवान हूं
और चाहता तो तुझे एक बाण में मार देता, लेकिन तूने क्या किया? कहा जनक की जाई, क्या हो जनक की जाई, जाने की जो मेरी प्यारी थी, गौर से सोचो तो बेटी भी तुम्हारी तेरी ही बेटी है, फिर भी तूने क्या किया? अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी, अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, बेवजह तो पूरा करके जाऊंगी। अब बैठ जाओ भैया जी। अब बात आ गई क्या लक्ष्मण जी की तरफ से। लक्ष्मण जी कह रहे रावण, माना तूने सही कहा कि मैं शेषावतारी हूं, मैं इस बात को अभी मानता हूं, सुलोचना मेरी बेटी लगती है, लेकिन सुन, अगर सुलोचना मेरी बेटी लगी तो ये इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ भी मेरा कुछ ना कुछ लगता था और मैं भी उसका कुछ ना कुछ लगता था, लेकिन सुन उसने क्या किया? मैं था ससुर तो क्या, मैं था ससुर तो दामाद जी हमारे थे, बाण युद्ध स्थल में दामाद के और मैंने क्या किया? शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी रावण, वो शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत से। और हनुमान जी ने क्या कहा? रावण, माना तूने सही कहा है मुझसे, ये बात भी सही कही है, मैं शंकर का अवतारी हूँ, लंका मैंने ही दान में दी, लेकिन सुन तूने क्या किया और मैंने क्या किया? जानते तुम थे क्या, जानते तुम थे मैं रुद्र का अवतारी हूँ, पार्वती पूछ मैं है और मैं राम पुजारी हूँ, पार्वती पूछ मैं है और मैं, फिर भी तूने क्या किया? सब कुछ जानता था कि मेरी जान मेरी आत्मा है पार्वती जो कि मेरी पूछ में है, और तूने क्या किया? पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी, पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। और अब देखो, अब बात आ रही है अंतिम, और विभीषण कह रहा है आपने क्या कहा मुझसे, मानता हूँ आप मेरे बड़े भाई हो, मैं छोटा हूँ मानता हूँ, आपकी मौत का कारण भी मैं हूँ, लेकिन सुनिए आपने मेरे साथ क्या किया और मैंने क्या किया। भैया गौरव कहा बड़े भाई थे,
लक्ष्मी आग लगाने की जरूरत क्या थी, अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी, शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी, और बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत है।